कैसे हैं आप? हाय, कैसे लग रहे हैं? उड़ जाएगा कैसे हैं आप लोग? Hey everyone, good morning, सत श्री अकाल, प्रणाम, केम छो और भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रहुआ सब। न्यू ब्लॉग में मैं रुद्र, मैं पूजा और आज 14 नवंबर और आज है दीपावली, तो आप सभी लोगों को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। बट आप जितना हो सके कम यूज करो वो चीज जिससे पॉल्यूशन ज्यादा फैले तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मुझे भी पटाखे जलाना, फुलझड़ी जलाना मुझे बहुत पसंद है। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, एक सर्दी हो रखा है मुझे और फीवर नहीं है बस सर्दी सा है, दूसरा मन सा अजीब सा है। तो उठते हुए मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठा और उसके बाद मुझे एक काम थमा दिया गया, उधर खिड़की के जस्ट बाहर बालकनी है तो वो काफ़ी गंदा था तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा धूल था, ऐसे मैंने मास्क लगा लिया था बट उसको साफ करते 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 मेरा सर भारी हो गया। चलते हैं फिर किचन में, देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं और मम्मा से आप लोग को हाई करवाते हैं और इसके बाद वीडियो को आगे चालू करते हैं। जितनी वीडियो मैंने डाला है उस पर बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। चलते हैं फिर किचन में, हम लोग जा रहे हैं किचन में। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले मम्मी और पूजा एक साथ पहले हाय गाइस बोलेंगे और इसके बाद सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं जल्दी से। 1 2 3 हाय गाइस, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए बोलिए मम्मी, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बना रहे हैं? खीर पूरी नहीं, रात को बनेगा जो बनता है ना? पनीर नहीं, दाल चावल बनता है ना? रात को तो दाल चावल बनता है, रात ही बनता है। दीपावली है तो बनेगा दाल चावल और चक्का। मेरा मुंह तो काला आ रहा है, हम गोरा कर देंगे आपको। इसमें अखरोट का टेस्ट ना अच्छा नहीं लग रहा। तो 10 बजने वाला है और मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद शॉप जाने वाला हूँ और शॉप पे आज दीपावली है तो कुछ वहाँ पे भी पूजा है, वहाँ काफी आज लेट भी होगा, देखते हैं फिर वहाँ से कितने बजे हम यहाँ पे घर पे आते हैं। धनतेरस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे लोग आज भी कर रहे थे। ऐसा होता है ना कभी कभी, हाफ हाफ तिथि वो जो होता है डेट, हाँ, भी ऐसा 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 भी हो सकता है। चलो मैं मार्केट गया था और मार्केट से आने के वक्त मैं लौट रहा था तो पटाखे की दुकान लगी हुई, स्काई लैम्प आप देख सकते हैं, स्काई लैम्प है। मुझे क्या याद आया, पिछली बार पिछली दिवाली में जब आप जला रहे थे दिवाली, तो मैंने इसमें टिकटॉक पर वीडियो बनाया था हैप्पी दिवाली। आपको एक बात और बता दूं, जम का दिया भी निकलता है तो मैंने सोचा कि जम का दिया निकले ना निकले मैं जम को उड़ा ही देता हूँ उसमें दिया डाल के और जम को एकदम आसमान में भेज देता हूँ। बाहर से बिलोंग करते होंगे पता नहीं बाहर में क्या बोलते हैं आप लोग, कौन कौन से स्टेट से हो आप लोग और वहाँ पे क्या अलग अलग तरह से मनाया। तो यहाँ बिहार में एक्चुअली होता क्या है कि मतलब दिवाली के एक दिन पहले जम का मतलब ये होता है कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है नेगेटिव है उसको आप बाहर करते हो। चलो चलते हम लोग घर के बाहर और छत पे और दिखा रहे हैं इसको जला के आपको। ये है उसकी मतलब वो लाइट जिससे जलेगी मोमबत्ती। हाँ। तो ये जो मोम है इसको हमने ऐसे फंसा दिया, ठीक है? देखो पूरा इतना बड़ा है ना, काफी बड़ा होता है। इसमें से ये गरम गरम आ रहा है वो। उड़ेगा? कैसा लग रहा है? उड़ जाएगा। एक मिनट, खटोला उड़ने वाला है आप देख सकते हैं और इसे हम छोड़ने वाले हैं। चलो छोड़ते हैं, हाँ छोड़ दो, पकड़िए आप, हम दोनों साथ में 1 2 3 हैप्पी दिवाली। उड़ जाएगा ना? हाँ। वाव, उड़ गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, लैंप उड़ गया। अरे वो लगता है कि उसमें आग लग गया। अरे गिरने वाला है क्या? गिर रहा है क्या? ओह माय गॉड, एक्चुअली हम लोग का जो लैंप था वो बगल में ही गिर गया। बाद में जाके घर के पास थोड़ी दूरी पे काम करवाया जाता है। मुझे ये सब
ये सब उठाने के लिए कहा जाता है, तो इनसे मैं बहुत सारा काम करवा लेता हूँ। ये देखिए सही बात, मुझसे बहुत ज्यादा ज्यादा काम, ये बहुत ज्यादा आपके साथ ज्यादती होता है। डिशोम डिशोम या डिशोम, ये जा रहा है मिशन नंबर टू, और ये पूरा सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है आप लोग जरूर देखिएगा। कैसे जल जाता है, इसमें भी बहुत ज्यादा लग रहा है। उड़ने वाला है क्या? नहीं अभी टाइम लगेगा, अभी नहीं उड़ रहा है, छोटे देखो होल्ड किया, हाँ नीचे आ रहा है। नीचे ऐसे हो रहा था ना पिछली बार, बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। उड़ रहे गया, बाय बाय, उड़ गया उड़ गया, फिर वैसे ही आ रहा है जिसकी वजह से अनबैलेंस हो रहा है वो। देख रहे हो, लेकिन ये बहुत ऊंचा चला गया ना। चुका था मार्केट में, मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग, ये है मेरे फ्रेंड का शॉप, तो आप लोग को भी अगर कुछ शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, अच्छी रेट में अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे। और मैंने शॉपिंग अपना कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद मैं घर निकलने वाला, और मैंने कुछ स्वीट्स पैक करवाया, आपको पता है दिवाली है तो कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने कुछ इसमें कुछ मिठाई है तो मैंने पैक करवाया मामा के लिए, पूजा के लिए। तो हे एवरीवन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी शॉप पे पूजा है, तो पंडित जी आ चुके हैं और पूजा हो रहा है, और आप में से बहुत से लोग अभी तक ये क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि भाई आप करते क्या हो, दिन भर यूट्यूब और यही सब सोशल मीडिया पे रहते हो। तो नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा मेनली जो काम है, हमारा मेन ये शॉप है, आपको दिखा दूं आप। व्यापार स्थिर लक्ष्मी आवाहन के जैसे गर्व महंकर जैसा कि आपने देखा, ये है हमारा शॉप। टाइम लगभग 6 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में पूजा खत्म होगी और इसके बाद हम घर जाएंगे। और मैंने आपको दिखाया है सबसे पहले वीडियो में कि मैंने कुछ शॉपिंग किया है, मम्मी के सरप्राइज गिफ्ट है, और ये कुछ ढेर सारी चॉकलेट है, ये ढेर सारा चॉकलेट। जैसा कि पता है आपको दिवाली है, दिवाली में कुछ मीठा होती है। वीडियो में घर जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कैसे वहाँ सरप्राइज मिल देता हूँ सभी लोगों को। वीडियो को बंद करते हैं, चलो मन। मैं घर पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे पास मेरे साथ क्या क्या है। मेरे पास पूजा, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए और मम्मी के लिए। जरा देखिए क्या क्या है, दिखाई नहीं मम्मी का है तुम्हारा, मैं अभी नहीं दिखाने वाला सबको, तो इसके बाद में देख रहे हैं। चलो सरप्राइज गिफ्ट, वाह थैंक यू। तो ये रहा मम्मी के लिए गिफ्ट है, मम्मी ये आपके लिए। कैसा लगा आपको, खोल के देखिएगा तो पता चलेगा इसमें क्या है। इसमें मम्मी है मिठाई वगैरह, और वहाँ कुछ और सामान है जो मैंने रख दिया है पूजा के पास, उसको आप कल चेक कर लीजिएगा। तो और सुबह में हमारे यहाँ सुबह में खीर पूरी ये सब बनता है, और दिवाली के दिन दाल में हमारे यहाँ दाल चावल और पकौड़े बनते हैं। मेरा छोटा भाई जो मुझसे पहले खाने के लिए बैठ चुका है। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। हमारे वीडियो देखते हो बट चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मुझे पता नहीं ना। आपको पता है कि मैं शॉप से काफी लेट लौटा हूँ, यहाँ पूजा कंप्लीट हो चुका था तो उसका वीडियो शूट शायद नहीं हो पाया है, पूजा ने शूट नहीं किया, ये इनकी गलती। ये हमारी और पूजा की फर्स्ट दिवाली सेलिब्रेशन था साथ में, तो हम लोग पहले तो दिए जलाएंगे, रेडी हो चुकी है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, और थोड़ी देर में हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ पटाखे वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कितने टाइम आपको लगने वाले हैं। मैं सोच रही हूं कि मैं ज्वेलरी क्या पहनूं, वैसे कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ज्वेलरी क्या पहनना है। हमारी दिवाली की दिए को जलाने और इसके बाद बाकी हम सेलिब्रेट करेंगे दिवाली को। चलो तो एक मिनट एक मिनट, आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। सेलिब्रेट करेंगे और थोड़ा बहुत डांस करेंगे। अच्छा आती है आपको? बहुत आती है। तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं एक साथ। हैप्पी दिवाली पूजा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बाबू। अब हम जलाएंगे कलरफुल कैंडल्स, जलेंगे तो और अच्छे लगेंगे है ना। ये जला रही है और इसे हम अपने घर के सभी
ये सुंदर लग रहे हैं ना, कलरफुल बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसे हम रखने वाले हैं घर के गेट के पास। हैप्पी दिवाली मम्मी। दिवाली। ऐसे मम्मी से स्माइल नहीं कर रही क्योंकि मम्मी के उसमें दांत में दर्द है। और मुझे डर लग रहा है। तो ये मम्मी सेलिब्रेट कर रही हैं दिवाली और पूजा भी साथ में। आप लोग को भी हैप्पी दिवाली। जल गया मम्मी को लगता है, इससे भी डर लग रहा है, इसको लग रहा है कि ब्लास्ट ब्लास्ट करने वाला है, ऐसा लग रहा है मम्मी को। जल गया। ये स्काई लैम्प अब उड़ने वाला है। ये मम्मी का नाम का स्काई लैम्प था, मैंने और पूजा अपने नाम का उड़ा लिया था और ये मम्मी का नाम का बचा हुआ है। बस इसमें अब गैस लगभग फुल हो चुकी है और बहू की जोड़ी मैचिंग लगती है। दोनों आदमी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दोनों का फेस मिलता भी है। मम्मी क्या नाम ही जा रहे हैं। हाँ, देखो वो रास्ता वही है ना, मम्मी तो मम्मी का जो रास्ता है वही है, तो उधर जा रहे हैं। हाँ गलती हो गया, मम्मी के लिए कुछ मिठाई भेज रहे तुम। चल अब भागो। पैसा रखो, पैसा पैसा क्या तुम्हारा रौनक, पैसा आरती ले लो। देखो उधर देखो, आरती के छिपा में देख के ना तो हे एवरीवन, आपको आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और आप लोग से विदा लेने का टाइम आ गया है, तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और अब हम लोग का खाने का टाइम हो चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने और हमें लगी है जोर से भूख। तो मैं और पूजा काफ़ी लेट हो चुका है सेलिब्रेट करते करते, आपने देखा। तो कुछ बोल रहे हैं आपको लास्टली? लास्ट में यही है हैप्पी दिवाली। तो आप लोग से विदा लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम।